नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य अत्रे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान राज्य कृषि विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी को लेकर एक हेल्थ बुलेटिन एसएमएस अस्पताल की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल रामेश्वर डूडी की हालत स्थिर बनी हुई है और चिकित्सकों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पे जो है निगरानी रख रही है और इसे लेकर एक चिकित्सकों की टीम का भी गठन किया गया है। ब्रेन हेमरेज के चलते बीते दिन रामेश्वर डूडी को एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया था। रामेश्वर डूडी का हाल जानने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई बड़े कांग्रेस के नेता एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके परिजनों से बातचीत की। एसएमएस अस्पताल की ओर से एक मेडिकल बुलेटिन जो है जारी किया गया है रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य को लेकर। इस मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि न्यूरोसर्जरी के ओटी में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देश में राइट एक्यूट सब ड्यूरल हेमाटोमा के लिए तुरंत उनका ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन टीम में न्यूरोसर्जरी विभाग से डॉक्टर अचल शर्मा, डॉक्टर राशिम कटारिया समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। फिलहाल ऑपरेशन के बाद रामेश्वर डूडी को एसएमएस अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग के आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और फिलहाल जो स्थिति है वो स्थिर है। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन की ओर से वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम का भी गठन किया गया है, जो लगातार रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। रामेश्वर डूडी के राजनीतिक करियर की बात करें तो वर्ष 1995 में पंचायत समिति का चुनाव लड़कर पहली बार रामेश्वर डूडी प्रधान बने और इसके बाद 1999 और सन 2004 में लोकसभा चुनाव लड़कर दो बार सांसद भी रहे। हालांकि रामेश्वर डूडी ने राजस्थान की क्रिकेट में भी हाथ आजमाने का प्रयास किया और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के सामने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में ताल ठोकी। हालांकि इन चुनाव में रामेश्वर डूडी को हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान अशोक गहलोत और रामेश्वर डूडी के बीच वो जो रिश्ते थे उनमें थोड़ी कड़वाहट भी आ गई थी, लेकिन अशोक गहलोत से वापस रिश्ते सुधरने के बाद रामेश्वर डूडी एक बार फिर राजनीतिक करियर में धमाकेदार वापसी करने को तैयार थे, लेकिन इसी बीच उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और जिसके बाद उनके परिवार और हजारों जो समर्थक हैं उनको बड़ा धक्का लगा। हम भी प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द ही स्वस्थ हो और राजस्थान की राजनीति में लोगों की सेवा के लिए एक बार फिर से हाजिर हो। द नगरी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।